चार प्रकार के भक्त अपने सुकृत के कारण मुझे भजते हैं, यानी चारों सुकृत वाले हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नराधम है दुष्कृति के कारण वो बेचारे भजते ही नहीं, आर्तता में भी नहीं भजते, इसलिए उनकी दृष्टि ही नहीं होती उधर। कम से कम आर्तता में वह ईश्वर की ओर जाने की दृष्टि तो होती है, उसके लिए भी सुकृत चाहिए। और कब जाएगी? जब वो संस्कार होंगे, जब वो बचपन से वो सुनने को मिलेगा तब उस तरफ आर्तता आएगी। नहीं तो आर्तता में भी फिर आदमी इधर उधर भटकेगा, या इधर उधर नहीं भटकेगा तो विषाद में जाएगा, विषाद में जाएगा तो इतने अवसाद में जाएगा कि आत्मघात कर लेगा। इसलिए आज तथाकथित रूप से जिनको विकसित राष्ट्र कहते हैं उन देशों की स्थिति ऐसी है कि बिचारों को नींद नहीं आती, गोलियों पर गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अवसाद में जाते हैं। अवसाद में क्यों जाते हैं? क्योंकि ईश्वर का आश्रय नहीं है बाकी सारे आश्रय। तो जीवन में कष्ट होता है, जीवन में दुख होता है, जीवन में लाभ हानि होती है, मान अपमान होता है, जीवन में कुछ भी परिवर्तन होता है तो आश्रय नहीं है, कहां जाए? हमारे यहां गरीब से गरीब, हम जिसको अनपढ़ कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, ऐसे लोगों में भी ईश्वर आश्रय है। जैसी उसकी इच्छा वैसे होगा। यह संस्कार सुकृतिनो अर्जुन, सुकृति से ही आते हैं। सुकृतिनो, सुकृति से अर्जुन ये तब आते हैं, तब माम भजन्ति चतुर्विधाः आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। जो किसी कामना को लेकर के अर्थार्थी धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिन, जिस भाव को लेकर के पूजन करोगे वो मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए किया ना तो वो मिलेगा। क्योंकि यह आर्तता उसी के लिए, यह आर्तता अर्थ के लिए, इसलिए अर्थ मिलेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं व्याकुल होते हो, जीवन में व्याकुल होते हो? तो भक्त कहते हैं हां होते हैं व्याकुल। किसलिए व्याकुल होते हो? ये व्याकुलता है किसलिए? आर्तता है किसलिए? धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए व्याकुल होते हो। 10 मिनट पुत्र नहीं मिला, 10 मिनट लेट हो गया, व्याकुल हो जाते हैं। अभी कल परसों किसी ने भेजा संदेश, बड़ा सुंदर संदेश था कि युवा पति पत्नी मेले में गए छोटे बालक को लेकर के, और मेले में बालक घूम गया, गायब हो गया, नहीं दिखा। 4-5-6 साल का बालक है, पत्नी विलाप कर रही है, जोर जोर से रो रही है, दहाड़े मार करके रो रही है, मेरा बेटा कहाँ गया, दिखा दो, मैं जी नहीं पाऊंगी। व्याकुलता से पुलिस में कंप्लेन की, इधर उधर सारा लाउड स्पीकर पे घोषणा हुई, कुछ नहीं हुआ। आधा पौन घंटा, 1 घंटा, और 1 घंटे बाद बच्चा मिल गया। बच्चा मिल गया, लिपट करके रो रही है, मिल गया मेरा लाडला कहाँ गया था। आधे घंटे का विरह सहन नहीं कर पाती, व्याकुलता होती है। बाहर निकलते हैं, ऑटो रिक्शा को वो कहता है पति बस स्टैंड चलो। बोले बस स्टैंड क्यों? तो बोले चलो बस स्टैंड पे जाते हैं, गांव का टिकट लेता है। पत्नी पूछती है घर नहीं जाना, शहर में जहां से अपन आए थे मेले, गांव क्यों जा रहे हो? पति कहता है पत्नी को 15 मिनट तेरा बालक नहीं मिला तो तू कितनी व्याकुल थी, मैं 10 साल से अपनी माँ से दूर हूं, तो गांव में मेरी माँ कितनी व्याकुल होगी। व्याकुलता बदल गई, व्याकुलता की परिभाषाएं बदल गई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से जिसको जिसके लिए व्याकुल होते हो वो पा लेते हो ना, तो ईश्वर के लिए व्याकुल नहीं होते हो ना, ईश्वर के लिए नहीं रोते हो ना, ईश्वर के लिए रोगे तो उसको भी पालोगे। व्याकुलता जिसके लिए, अर्थार्थी, अर्थ के लिए व्याकुल है, अर्थ मिलेगा उसके लिए, भगवान का भजन करोगे चलेगा।
उसके लिए भी इधर उधर आश्रय मत करो, ये करो। फिर जिज्ञासु है, अंदर से ज्ञान के प्रति पिपासा जग गई, जिज्ञासा वह है, जानना चाहता हूं मैं ये है क्या, ये सृष्टि चल कैसे रही, इसके पीछे का तत्व क्या है, इसके पीछे का सार क्या है, ये जो दिख रहा है उससे संतोष नहीं है, उसके पीछे क्या है, जो नहीं दिख रहा वो सूक्ष्म तत्व क्या है, किससे ये सूर्य चंद्र चमकते हैं, किससे यह हवा बहती है, किससे यह सृष्टि और सृजित तो होती है, पल्लवित तो होती है, पुष्पित तो होती है, पंछी गाते किसकी कृपा से, जानू तो मैं कौन इन्हें शक्ति देता है। तो किसी विरले के अंदर वह आर्तता जगती है जिज्ञासा की, तो वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए लग जाता है, और ज्ञान प्राप्त करते जाता है तो वह बाहर के इस आडंबर को, उस पर्दे को हटाता जाता है और ज्ञानी होता है, और ज्ञानी होता है वह भक्त होता है। यह चारों भजन की स्थिति है, चारों भजन कर रहे भगवान श्री कृष्ण कह रहे, ये चारों मेरे लिए प्रिय, आगे कहेंगे। लेकिन ज्ञानी सच मम प्रिय, ज्ञानी तेषाम, इन चारों में से ज्ञानी नित्य युक्त है, नित्य उसी एक योग में लगा हुआ है, उसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, उसके लिए कोई अनन्याश्रय है ही नहीं, किसी और पे उसका ध्यान ही नहीं है। वो सुदर्शन सिंह चक्र की लिखी हुई कथाओं में वो एक लाला जी है दुकानदार, वो उनका तकिया कलाम है, कहते हैं बाणिया हूं, बाणिया को कोई लूट नहीं सकता, बाणिया हूं मुझको कोई लूट नहीं सकता, बेटे को सौंप दी दुकान और पूरे समय राधे 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 भजन करते, कॉपी खरीदते कॉपी में लिखते राधे 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 राधे। अरे लिखते क्यों भाई, बोलते तो रहते हो राधे राधे दिन भर, लिखते क्यों, बाणिया हूं ना कोई लूट नहीं सकता। अरे लिखने का और लूटने का क्या संबंध है, बोले इसमें फायदा है, कैसे फायदा है, बोले एक बार लिखता हूं तीन बार जब होता है, एक बार राधे लिखने में पहले मन में आता है, फिर लिखता हूं फिर पढ़ता हूं, तीन बार हो गया, तीन गुना एक नाम लिखने में मिल रहा है तो तीन गुना लाभ है ना, बाणिया हूं कोई लूट नहीं सकता इसलिए लिखता हूं। नित्य युक्त, हर काम में वही युक्त है जब चल रहा है। सुदर्शन जी चक्र लिखते हैं, मैं उनके साथ गया गांव में दुकान पे, कॉपी खत्म हो गई, कॉपी खरीद लो, जाते कॉपी लेते, 100 पृष्ठ की कॉपी, उस समय की बात 70 के दशक की बात है, आठाने की कॉपी है, दुकानदार आठाने की जगह 2 रुपए में देता है, कह 2 रुपए कॉपी देता है, पता है लाला जी देते, पता है इनको जो बोलेंगे वो दे देंगे, इसलिए दुकानदार सोचता है चलो इनको लूट लिया जाए, तो आठाने की कॉपी जिसपे लिखा है आठन्नी, लेकिन उनको 2 रुपया मांगता है, लाला जी बिना झिकझिक के 2 रुपए निकाल करके दे देते हैं, और कॉपी के इसमें डालते समय भी, अपने झोले में डालते समय भी कहते बाणिया हूं कोई मुझे लूट नहीं सकता। तो सुदर्शन जी कहते लूट तो लिया अगले बाणिये ने, तुम बाणिया हो महाबाणिया है, 4 गुना पैसा ले लिया और तुम कहते लूट नहीं सके, वो जोर से हंसते है, वो दुकानदार भी सुन रहा है, लाला जी हंसते बाणिया हूं कोई लूट नहीं सकता। तो सुदर्शन जी चक्र पूछते लाला जी समझाओ तो, अरे ठीक है आठानी की जगह 2 रुपए ले लिया, 1.5 रुपया ज्यादा ले लिया, लेकिन उसके लिए मैं इससे झिकझिक करता तो उतने समय में मन राधे से दूर हो जाता ना, जब तक झिकझिक करू उतने में 25 बार राधे राधे बोल लिया, अब 25 बार राधे राधे बोलना 1.5 रुपए से कम है क्या, बाणिया हूं कोई लूट नहीं सकता, 1.5 रुपए के लिए मुझसे राधे को छुड़ा लेगा, 1.5 रुपए के लिए मुझसे राधे से दूर कर लेगा, राधे राधे नित्य युक्त है, नित्य युक्त सदा उसी में रमा हुआ है, कहीं जाता ही नहीं। हमारे मित्र है सुरेश शर्मा जी, प्राइमरी के टीचर थे जोधपुर में, सरकारी टीचर, सारी जिंदगी लोगों का भला करने में ही लगाए, आजकल वृंदावन में रहते, वृंदावन में गंगादास जी उनके आश्रम में रहते, गंगादास जी के आश्रम में मैं वृंदावन गया उनसे मिलने ग्वालियर से, तो कहा गंगादास जी के आश्रम में मैं रहता हूँ वहां आ जाना, फिर उन्होंने कहा आपकी व्यवस्था कहीं और कर देते हैं पास की धर्मशाला में,
गंगादास जी के आश्रम हमारे साथ दो तीन लोग थे, बोले उनकी वहां कर देते, आप मेरे साथ यहाँ रह जाना गंगादास जी के आश्रम में। तो मैंने कहा गंगादास जी के आश्रम में रह जाना, मेरे को पता था पहले से, मैंने कहा गंगादास जी मना कर देंगे, मैं नहीं रहूंगा, बड़े गुस्से वाले महाराज है, नहीं मना कर देंगे। सुनील जी ने कहा नहीं हो जाएगा, रह लेना, यहाँ कुछ पैसा तो लगता नहीं, मैं भी रहता हूँ, पैसा तो लगता नहीं। मैंने कहा नहीं, लेकिन उनकी कीमत बड़ी है, मुझे पता था, सुरेश जी ने बताया था। क्या कीमत है उनकी? गंगादास जी कहते हैं मेरे आश्रम में कोई भी आकर के साधक रह सकता है, खाना पीना सब मिलेगा आश्रम की ओर से, रहने की व्यवस्था सब, एक ही फी देनी है, रोज एक पुरस्करण होना चाहिए, 1.25 लाख का जप रोज होना चाहिए, एक पुरस्करण है ना मंत्र का, 1.25 लाख बार जप, और रोज एक पुरस्करण जो कर ले 24 घंटे में एक पुरस्करण, वो यहां रह सकता है। मैंने सुरेश जी को कहा ये तो कैसे हो सकता है, आप कर लेते होंगे, हमसे तो नहीं होगा, हम तो ऐसा जप नहीं करते। मैंने कहा मैंने अपने मंत्र का जप करते समय गिनती करके देख लिया है, यदि 1.25 लाख का जप करूं तो 18 घंटे लगेंगे, और रोज 18 घंटे यदि जप करता रहूं तो बाकी क्या करूंगा। तो सुरेश जी मुस्कुराए, नहीं नहीं हो जाएगा, तुम गंगादास जी के पास चलो। मैं गंगादास जी के पास गया, गंगादास जी ने सबको देखा और कहा ठीक है। सुरेश जी ने कहा ये यहां रहेंगे बाकी तीन वहां, सर गंगादास जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है रहने। मैंने सुरेश जी को पूछा इन्होंने मेरे लिए नियम क्यों तोड़ा, बोले नहीं तोड़ा नियम। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं तो जब एक बार 2 माला कर ली, 3 माला कर ली ज्यादा से ज्यादा, 1.25 लाख तो मैं जब करता नहीं। सुरेश जी कहे सोचो सोचो, छोड़ दिया उन्होंने मेरे ऊपर। मैंने कहा कोई बात नहीं, गंगादास जी ने विवेकानंद केंद्र का क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया, और विवेकानंद केंद्र वाला है पूर्णकालिक है इसलिए छोड़ दिया होगा। 1.25 लाख का पुरस्कार मैंने फिर सुरेश जी को पूछा, सच बताओ आप कर लेते हो क्या 1.25 लाख का पुरस्कार? बोले नहीं करूं तो भगा देंगे ना, नहीं करूं तो गंगादास जी रखेंगे थोड़ी भगा देंगे। तो मैंने कहा कौन सा मंत्र है आपका इतने जल्दी जल्दी हो जाता है, किताब भी लिख रहे हो, इतनी मोटी किताब लिख रहे हैं धर्म के ऊपर, पूरी हो जाएगी शायद अभी। देखा किताब भी लिख रहे हो, ये भी है, आश्रम भी जाते हो शाम को भजन के लिए, आरती के लिए, रामकृष्ण मिशन के, और भी किसी इसमें चले जाते हो, कहां पुरस्कार होता है। बोले सोचो सोचो छोड़ दो। मैं चला आया, चला गया, कुछ सालों बाद ट्यूबलाइट जली, 1.25 लाख का पुरस्कार जप से नहीं हो सकता, अजप से हो सकता। जब अजप जप हो जाए, जब अंदर जप चलता रहे बाहर कर्म होता रहे तभी 1.25 लाख, नित्य युक्त होने से ही पुरस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता 1.25 लाख का पुरस्कार प्रतिदिन। भौतिक रूप से माला लेकर के 1.25 लाख का जप प्रतिदिन करना असंभव है व्यक्ति के लिए, अंदर जप चलता रहे काम भी चलता रहे तो हो सकता, नित्य युक्त। ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त है, सदा युक्त है, उसका सदा जप चल रहा है, वो जो कर रहा है, मानस पूजा में कहते हैं ना, जो भी मेरे मुख से निकलता है वह तेरा स्तोत्र है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो करता हूं वो, सोता हूं तो समाधि, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, संचार करता हूं तो तेरी प्रदक्षिणा हो रही है, स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो भी मुख से निकला तेरी स्तुति हो रही है, नित्य युक्त। जब सदैव वही एक प्रभु ही सब कुछ हो गया, ईश्वर सब कुछ, वह नित्य युक्त है। एक भक्तिर विशिष्यते, इसलिए उसकी विशेषता यह है कि वह भक्ति का है, इसलिए वो विशेष है चारों में से, वह ज्ञानी एक भक्त है। एक भक्त क्यों है? क्योंकि उसको पता है एक वासुदेव के अलावा, एक ईश्वर के अलावा, एक प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में, भजने योग्य और कुछ है ही नहीं, तो उसी का तो भजन करेगा ना, तभी तो एक भक्त हो सकता है, जब उसको उस एक के अलावा और कुछ सूझे ही ना। इसके इस अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूत और अहम मन बुद्धि से बनी हुई अष्टधा प्रकृति में जो कुछ भी दिख रहा है उसके पीछे के ईश्वर को वो देखने लगता है, इसलिए वो एक भक्त हो जाता है, फिर उसको सदा ईश्वर दिखता है। फिर भगवती स्वयं अपने गले से कंठहार निकाल करके देती है और वो ज्ञानी एक कोने में जाकर के दांत से एक एक मोती तोड़ रहा है, राम कहां। ज्ञानी एक भक्तिर विशिष्यते, स्वयं भगवती के गले में निवास करने वाला मोतियों का मुक्ताहार है, लेकिन हनुमान जी तो अपने मस्त है, उनको तो राम है क्या बताओ।
अरे क्या बंदर है भाई, मोतियों को खा रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? राम ढूंढ रहा हो? इन मोतियों में राम है क्या? राम नहीं तो काम नहीं, एक ही काम है राम का, और कोई काम ही नहीं। एक भक्तिर विशिष्यते, इसलिए उसकी एक भक्ति होगी, उसको उसको फिर बाकी कुछ नहीं सोचता। इसलिए ये बड़ा अद्भुत है, इसलिए वो ज्ञानी मेरे लिए इत्यर्थ ज्ञानिनो प्रियो ही, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूं इत्यर्थ अहम ज्ञानिनो प्रियो ही इत्यर्थम सच मम प्रिया। भगवान भी कह रहा है अपन तो लेन देन का सौदा है हमारा, ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्ति है, मुझसे ही प्रेम करता है और किसी से नहीं करता, मैं एक ही उसके लिए प्रिय हूं, बाकी घर गाड़ी बंगला जायदाद मित्र और कुछ नहीं है उसके लिए, पुत्र बंधु सखा कोई नहीं, तुम ही सब कुछ हो, एक ही है उसके लिए, एक ही प्रिय है बाकी कुछ नहीं, मैं ही उसके लिए प्रिय हूं, इसलिए सच में प्रिय, इसलिए वो मेरे मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं उसे प्रिय हूं इसलिए वो मुझे प्रिय है। कितनी बढ़िया सौदेबाजी है। वह ज्ञानी इन चारों में मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उसको मुझसे और कुछ नहीं चाहिए, उसको मैं ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मांग ले भक्त, मांग ले तुझे क्या चाहिए, भक्त कहता है अरे कुछ नहीं, तू ही चाहिए, तेरे चरण चाहिए, सदा तेरे चरणों में ध्यान लगा रहे, बस इतना दे दो। एक बार जोधपुर में संस्कार वर्ग में कहा कार्यकर्ताओं ने कि भैया आज आप कथा सुनाओ, आज आप कहानी सुनाओ बच्चों को, बहुत दिन हो गए, वास्तविकता में बहुत दिन हो गए थे कहानी सुनाने, तो मैं कहानी सुनाने चला गया। तो होली के पहले का रविवार था, तो कार्यकर्ताओं ने कहा प्रहलाद की कहानी सुनाओ, प्रकर्षेण आह्लादयति थी प्रहलाद, जो सदा आनंद में रहता है, सदा हंसते रहता है, सदा मस्ती में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, उसको कारण नहीं चाहिए मस्ती के लिए, वो अंदर से मस्त है प्रहलाद, इसलिए वो आग में बैठा है होलिका के गोद में तो भी प्रहलाद है, ऊपर से फेंक दिया जाता तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चल रहा है उसका तो वासुदेव मिति सर्वम, चल रहा है उसका और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो प्रहलाद है। कथा सुनाई उसकी प्रहलाद की, कथा सुनाते सुनाते, कथा सुनाने में आनंद आता है ना, कथा सुनने में भी आनंद आता है, सुनाने में भी आनंद आता है, कथा का वही आनंद है। तो सुनाता गया, कथा चली और वो हिरण्यकश्यपु के दरबार में पहुंच गए, और प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु कह रहा है तेरा ईश्वर कहाँ है? वो कहता है सर्वत्र है, वासुदेव मिति सर्वम, सब वही तो है, तुम कहाँ है क्या पूछ रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चल रहा है उसका नित्य युक्त जप। और पीछे से वो कार्यकर्ता घड़ी दिखा रहा है, भैया समय हो गया, भैया समय हो गया, सबको जाना है, कहानी तो बची है अभी, तो प्रगट नरसिंह तो प्रगट ही नहीं हुए अभी, तो हिरण्यकश्यपु मरा ही नहीं। तो हमने कहा चलो वो एकता कपूर वाली स्टाइल अपना लेते हैं। बच्चों को मैंने कहा कि अब क्या होने वाला है, बच्चे के अभी तो भगवान नरसिंह प्रकट होंगे, बच्चों को तो कथा पता है ना, मैंने कहा चलो अपन अगले सप्ताह भगवान को प्रकट करेंगे, इस सप्ताह नहीं करेंगे। तो बच्चों ने कहा क्यों, अभी पूरा कर दो। मैंने कहा नहीं वो समय हो गया इसलिए अगले सप्ताह करेंगे। नहीं 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 भैया थोड़े देर लेट से। मैंने कहा नहीं अभी अपन तैयार नहीं है, भगवान प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे मांगो बेटा, तो क्या मांगोगे? अब बच्चे चुप हो गए, पता नहीं है ना, तो एक सप्ताह में होमवर्क करके आओ कि अगले बार नरसिंह जब प्रकट होंगे, और मैंने कहा नरसिंह है ऐसे छोटे मोटे थोड़ी है, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, दृष्टा करालानी, खा जाएंगे, अगर बता नहीं पाए तो तैयारी करके लिख करके लाना। और क्या अद्भुत अद्भुत बातें बच्चों ने लिख करके लाई भगवान से मांगने के लिए। अगले रविवार को मैं तो चला गया था प्रवास में, नरसिंह का अवतार किसी और कार्यकर्ता ने करवाया, लेकिन मैंने लिख करके मंगवाया था, वापस आते ही पहले का वो बताओ यार बच्चों ने लिखा क्या है, और कितनी सुंदर सुंदर बातें बच्चे लिखते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त्या, अलग अलग एक बालक लिखता है कि
मेरे देश के सारे गरीबों को खाना मिल जाए, ऐसे ऐसे लिखे। संस्कार वर्ग के बालक है तो ऐसे तो अच्छी बातें लिखेंगे। एक बालक ने लिखा, भगवान को मैं कहूंगा तू सदा मेरे साथ रहे। तो मैंने कहा इससे मिलना है यार, ये कौन है? अब वो बालक बुद्धि देखो कितनी अद्भुत है, बालक बुद्धि है। मैंने कहा बाकी बच्चों ने कहा, किसी ने ये भी लिखा था मेरा होमवर्क कर दे किसी ने चॉकलेट, बच्चे ही है, अलग अलग बातें भी मांगी थी। तो मैंने इसको पूछा क्यों रे कलाकार, उसका कृष्ण कुमार नाम था तो उसके घर वाले उसको केके कहते थे, तो मैंने केके का कलाकार कर दिया था। तो मैंने कहा क्यों रे कलाकार तूने ये क्यों मांगा कि सदा साथ में रहे? तो बोले ये सब लोग फालतू फालतू बातें मांग रहे हैं, यदि भगवान हमेशा साथ में रहेगा तो होमवर्क तो जल्दी हो ही जाएगा ना। बोले होमवर्क के लिए भगवान को क्यों डिस्टर्ब करना, वो हमारे साथ बैठ जाए फिर तो क्या क्या संभव है भगवान के लिए। जब वही मेरे साथ रहेगा तो जो चाहे वो हो जाएगा, नित्य युक्त। इसलिए भगवान कहते हैं उस भक्त को और कुछ प्रिय है ही नहीं, उसको पता है जगत में और कुछ है ही नहीं। जगत में जो भी दिखता है उसके अंदर का ईश्वर उसको दिखता है, वो कहता है ईश्वर की आराधना है इसलिए वह मुझे प्रिय है क्योंकि उसको मैं प्रिय हूं और कुछ प्रिय नहीं है। फिर बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों तो आपको प्रिय नहीं है क्या? आप भी भावभेद करते हो क्या? तो भगवान कह रहे नहीं बाबा, वो तो मेरे लिए संभव नहीं है। उदारा सर्व एवैते, बाकी सारे भी उत्तम ही है, उदार ही है, उदाते उन नराधमों से तो जो मेरी ओर देखते ही नहीं है। कोई विपत्ति में देखता है, कोई कुछ पाने के लिए देखता है, कोई जिज्ञासा से देखता है, लेकिन देखता तो है मेरे तरफ। इसलिए वो भी उदार है, उदात्त है, इसलिए उनसे भी मेरा कोई बैर नहीं, वो भी मुझसे प्रिय है। लेकिन ज्ञानी मुझ में ही है, मेरा ही है, उसका और मेरा अनन्याश्रित संबंध है, अलग कुछ है नहीं। इसलिए त्वात्मैव, वह और मैं एक ही हो, तू आत्मैव, वह मुझको ही आत्मा मानता है और प्रिय केवल आत्मा ही होता है और कुछ नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद का संदेश है याज्ञवल्क्य मैत्री वाला, हमने कई बार गीता स्वाध्याय में उसका स्वादन किया है। पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो पुत्र है, इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि मेरा है। आत्मा नस्तु कामान पुत्र प्रियो भवति, आत्मा नस्तु कामान पति प्रियो भवति। आत्म तत्व की परछाई दिखते इसलिए प्रिय होता है। इसलिए जगत में भी जो कोई भी प्रिय है वो आत्म के कारण प्रिय है, आत्मीयता के कारण प्रिय है, अपने आप को उसमें देख पाते इसलिए प्रिय है। और अपने आप को मतलब अस्मिता को नहीं, अहम को नहीं, उस आत्म प्रकाश से प्रियता होती है। आत्मैव मे मतम, इसलिए ज्ञानी आत्मैव है ऐसा मुझे लगता है। बाकी सारे भी उदार है, बाकी सारे भी उदात्त है, उसमें कोई शंका नहीं, वो भी ठीक ठाक ही है। नराधमों से तो अच्छा ही है और भक्त तो है ही, मेरे लिए प्रिय ही है, किंतु ज्ञानी मेरा ही है, ज्ञानी मुझ में एक है। आस्थित सही युक्त आत्मा, वह युक्त आत्मा होने के कारण स्थित है, प्रतिष्ठित है, हिलता डुलता नहीं, मुझ में ही स्थित है। इसलिए मामेव अनुत्तमा गतिम, इसलिए मुझ में ही स्थित होने के कारण और युक्त आत्मा सदैव मुझ में ही उसका मन लगा रहता है, इसलिए वो मेरे ही आश्रय में और कुछ नहीं, उसको दिखता ही नहीं, इसलिए उसकी उत्तम से भी अधिक सदा उत्तम अनुत्तम बार बार उत्तम ऐसी गति है। जो उत्तम नहीं वो अनुत्तम नहीं है, अनुत्तम है वो। शासन अनुशासन, वैसे शरण अनुसरण, वर्तन अनुवर्तन, वैसे उत्तम अनुत्तम। ये कौन सा उत्तम है? ये कभी न ढलने वाला उत्तम है। नहीं तो हमारे मन में भी सर्वोच्च विचार आता है, कभी कभी आता है ना, झलक तो सबको लगती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके मन में ये ज्ञान की झलक ना ही हो। कल मैं
नरेंद्र की बता रहा था कि आंखें बंद करते हैं तो दिखता है क्या, रामकृष्ण ने पूछा और उसने प्रश्न पूछा, क्या सबको नहीं दिखता? और जब मैंने वो प्रश्न पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया, ये प्रश्न तो बड़ा सही है, क्या सबको नहीं दिखता? और फिर मैंने कोशिश की, अरे दिखता तो है, सबको दिखता है, ध्यान नहीं देते, प्रकाश सबको दिखता है, रंग अलग अलग होता है, किसी को नीला दिखता है, किसी को पीला दिखता है, किसी को लाल दिखता है, जो आपकी मनस्थिति हो उसके अनुसार दिखता है। आंखें बंद करें और प्रकाश ना दिखे ऐसा विश्व में कोई नहीं, दिखता सबको है, पकड़ते कितने हैं। इसलिए उत्तम को तो छूते, ये तीनों भी छूते हैं, उत्तम को छूते स्पर्श करते हैं, आर्त भी करता है, अर्थार्थी भी करता है, जिज्ञासु भी करता है, लेकिन भयभीत हो जाता है, वापस आता है, स्थिर नहीं रहता। नरेंद्र ने कहा, अरे रे 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 क्या कर दिया, मेरे माता पिता है, छोड़ो। छोड़ दिया, चल ठीक है बेटा, ठीक हो जाएगा। उत्तमा है, अनुत्तमा नहीं है, स्थिर नहीं हुआ, प्रतिष्ठित नहीं हुआ, निरंतर नहीं हुआ। साधना का केवल एकमात्र है भक्ति को एक भक्ति में निरंतर करना, हर क्षण वही हो जाए, यही साधना है। अनुभूति साधना के लिए आवश्यकता नहीं है, अनुभूति से साधना प्रारंभ होती है और वो हम सबको होती है अनुभूति। साधना तो अनुभूति को दृढ़ करने के लिए की जाती है, निरंतर करने के लिए की जाती है, नित्य करने के लिए की जाती है। इसलिए मामेव अनुत्तमाम गतिम, क्यों, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत सारे जन्मों का सुकृत इकट्ठा होने के बाद ज्ञानवान मुझे भजता है। इतने सारे संस्कार इतने जन्मों से उसने ग्रहण किए, इसलिए क्रमशः उसका ज्ञान बढ़ता हुआ इस जन्म में इतना ज्ञान है कि वह मेरा भजन कर रहा है। यह कितने जन्मों की पुण्याई का सौभाग्य है जो हमारे मन में भक्ति आई, जो हमारे मन में सौभाग्य आया। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि सारे विश्व की समस्त आत्माओं को अंत में अपनी मुक्ति के लिए भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, अनेक जन्मों की पुण्याई के बाद इस भारत में आपका जन्म होता है, क्यों, क्यों, क्योंकि ये संभावना केवल यहीं पर है। यह भक्त एक भक्त होने की संभावना केवल यहीं पर है क्योंकि यहां संस्कार है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अफ्रीका में पैदा हुए को ईश्वर नहीं मिल सकता, लेकिन वहां उसको वातावरण नहीं मिलेगा बचपन से। यहां नहीं भी चाहे तो बेचारे के कान पे संस्कार चैनल पड़ी जाएगा, चैनल चेंज करते करते ही क्यों ना हो, चाहेगा कहां, बाकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ईश्वर से अनुप्राणित इस राष्ट्र का कण कण है, इसलिए बच नहीं सकता कोई उससे। अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले भी बचते नहीं है। दत्तोपंत जी बताया करते थे कथा, ऋषिकेश मुखर्जी बहुत बड़े और कम्युनिस्ट नेता थे बंगाल के, और जब ट्रेड यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल चाइना गया तो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से दत्तोपंत जी थे चीन में, उनको जिस होटल में रखा था, शाम के समय कुछ हुआ तो दत्तोपंत जी कुछ बात करने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी के कमरे में गए, कक्ष में गए, दरवाजा खुला था इसलिए अंदर चले गए। अंदर चले गए तो आवाज सुनाई दी कुछ की, कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से बैठ गए और सुनने लगे कि क्या बोल रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो का उस समय जनरल सेक्रेटरी सीपीएम का, सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का कट्टर जनरल सेक्रेटरी, और वहां रिक्लाइनर में बैठ करके, आराम कुर्सी में बैठ करके, होटल के कमरे में आंखें बंद करके दत्तोपंत जी आकर के बैठ गए। उनको पता नहीं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम निर्वाण शतक गा रहा है, तो आंखें खुलने के बाद दत्तोपंत जी ने कहा मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा बता दो तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भगवान को नहीं मानता। बोले अभी क्या कर रहे थे, बोले इससे मन शांत हो जाता है, खा जाएगा,
इस धरणी में जन्म लिया ईश्वर तो छुएगा। आप ईश्वर को छुओ ना छुओ, ईश्वर तो छुएगा। इसलिए सौभाग्य से बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यंते। इसे इतने जन्मों के बाद ये अवसर आया, भारत में जन्म हुआ, फिर उसके बाद भी पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, तब ऐसा अवसर आया कि हमारे जीवन में ऐसा संस्कार आया, स्वाध्याय आया, भक्ति आई, सत्संग आया, अच्छे लोगों का संग मिला। बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों में इकट्ठा करने के बाद में होता है। और वासुदेव सर्वमिति, सर्वम इति वासुदेवम, यह समझ करके सारे कण कण में वासुदेव ही है, ऐसा जान करके वह ज्ञानी मेरी भक्ति करता है। स महात्मा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभतर, हजारों में से कोई एक यतति, ऐसे हजारों यतियों में से कोई एक सिद्ध, और ऐसे हजारों सिद्धों में से कोई एक ज्ञानी भक्त। वेत्ति तत्वतः, मुझे जानता है, इसलिए वो लाखों में एक ऐसा वो सुदुर्लभ है, ऐसा वो सुदुर्लभ महात्मा है। कौन? जो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ऐसा जानता है। महर्षि अरविंद के जीवन में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन इस अनुभूति से आया। भगवद्गीता के सातवें श्लोक, सातवें अध्याय का जो ये 19वां श्लोक है, इसकी अनुभूति महर्षि अरविंद को अपने जीवन में आई। कहां पर? कृष्ण के जन्म स्थान पर, जेल में, अलीपुर के जेल में, मथुरा वाले में नहीं, जन्म स्थान उस अर्थ में नहीं कह रहा, कलकत्ता में अलीपुर जेल में जब वो बंद थे और अलीपुर बम कांड का और उनके ऊपर अभियोग चल रहा था, और उस समय जब वो उस जेल के अंदर थे उत्तरपाड़ा में, बाद में उस जेल से बाहर आने के बाद उत्तरपाड़ा में उन्होंने भाषण दिया है, उनका सर्वोत्तम भाषण है उनके जीवन का। और उस उत्तरपाड़ा भाषण के बाद फिर वो चंद्रनगर चले गए, उसके बाद पुदुचेरी पांडिचेरी गए, और उसके बाद वो योग में रममाण हो गए और अपना सारा क्रांतिकार्य छोड़ करके वहां जाकर के बैठे। तो बताते दो अनुभूतियां बताते, एक अनुभूति बताते कि उस समय साक्षात स्वामी विवेकानंद ने आकर के उनको दीक्षा प्रदान की। यह 1911 की घटना है, 1910-11 की घटना है। स्वामी विवेकानंद की समाधि 1902 में हुई है। स्वामी विवेकानंद सशरीर है नहीं, लेकिन अरविंद कह रहे कि जेल की कोठरी में सशरीर स्वामी विवेकानंद ने आकर के मुझे दीक्षा दी और मुझे बताया कि किस प्रकार से साधन करना है जिससे वासुदेव सर्वमिति। एक एक दिन बताते बताते 7 दिन तक स्वामी विवेकानंद ने आकर के उनको विराट की साधना का मंत्र सिखाया, जो अवशस्तिपाद ऋषि ने वैश्वानर साधना बताई है उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। उस साधना की दीक्षा स्वामी विवेकानंद ने अरविंद को दी और उसके द्वारा उनको क्रमशः 7 दिन आगे बढ़ते 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 अरविंद को यह अनुभूति आई। अरविंद कहते सर्वत्र वासुदेव दिखने लगे, जेल का वार्डन वासुदेव, साथ में रहने वाले वासुदेव, कोर्ट में ले जाते थे तो मेरे को दिखता था जज भी वासुदेव, वकील भी वासुदेव, अंग्रेजों का वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी वासुदेव, मैं निश्चिंत तो हो गया, जब चारों तरफ वासुदेव है तो मेरा क्या बुरा होगा। और मैंने अपने आप को वासुदेव के ऊपर छोड़ दिया। वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। एक भक्ति के आगे की बात है, सर्वत्र कण कण में जो ईश्वर है उसके जिसको दर्शन हो जाते हैं, वासुदेव सर्वमिति, वह ज्ञानी भक्त है। बाकी कैसे है? बाकी कामनाओं के कारण उनका ज्ञान हरण हुआ है। कामई तैते ऋत ज्ञाना, ऋत उनका हृदय उसी में लगा है कामनाओं में, और कामनाओं में ऋत होने के कारण विवेक से अपहृत है, विवेक का अपहरण हो गया, इसलिए नश्वर में फंसे हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे,
मिटने वाले बदलने वाले में लिपटे हुए चिपटे हुए लिप्त है, जो सदा नित्य है बदलता नहीं, ऐसे ईश्वर को नहीं देख पा रहे, ऐसे जो अन्य लोग है प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य अन्य भिन्न भिन्न देवताओं की वह पूजा करते हैं अपने अपने कामनाओं के अनुसार। तम तम नियम आस्थाय, जिस देवता की वो उपासना करते हैं उसके अनुसार जो जो नियम है प्रकृत्या नियता स्वया, उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार नियत इस प्रकार के जो जो नियम है उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार वह विभिन्न देवताओं का यजन करते हैं। जब देवता कह रहे तब वो गणेश शिव उस अर्थ में नहीं कह रहे, देवता है प्रकृति में काम करने वाली शक्तियां, उन देवताओं का यजन करते हैं। जितने अपने मॉडर्न वैज्ञानिक है वो सारे देवताओं का यजन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी, देवताओं को ले देवताओं को लेकर के और भजनते उसके उसके नियमों का पालन करते हुए उसमें से सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। तम तम नियम आस्था या उसके उसके नियमों के अनुसार स्वया प्रकृतिया नियता, अपनी प्रकृति से ही नियत किए हुए नियमों के अनुसार ताम ताम प्रपद्यन्ते अन्य देवताओं का और वह यजन करते हैं, प्रपद्यन्ते उसके लिए प्रयत्न करते हैं, उसे हिसाब से प्रयत्न करते हैं, उनको भोग चाहिए उसके लिए करते हैं, कोई बात नहीं यज्ञ करो बढ़िया बढ़िया यज्ञ करो, बढ़िया बढ़िया लेबोरेटरीज लगाओ, बढ़िया बढ़िया सुविधा के साधन जुटाओ, और सुविधा और सुविधा और सुविधा, पहले से और अधिक अच्छा और गति और आराम, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे यो यो याम याम तनु भक्ता, जो जो जिस जिस में जिसकी श्रद्धा होती है, जिस जिसके प्रति उसके मन में भजन होता है, श्रद्धयाम अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से उनका अर्चन करना चाहता है, जिस जिसका करना चाहता है, तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम, उस उसमें उसकी श्रद्धा में अचल कर देता हूं। आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, आपको वही चाहिए वही ले लो। तामेव विदधाम्य हम, उसमें ही मैं उनको दे देता हूं, श्रद्धा दे देता हूं, जो तुमको चाहिए वो ले लो। सारी दुनिया 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, योग सारे करेंगे लेकिन सब अपने अपने बुद्धि से करेंगे, अपने अपने प्रयोजन से करेंगे। कोई बीपी ठीक करने के लिए करेगा, कोई डायबिटीज ठीक करने के लिए करेगा, कोई टेंशन को मैनेज करने के लिए कहेगा, कोई फैशन के लिए करेगा, पड़ोसी जा रहा है इसलिए मैं भी जाता हूं, सब लोग करते हैं आजकल तो फैशन में मैं भी कर लूं, नहीं करूं तो लोग कहेंगे योग नहीं करता। अरे केंद्र विवेकानंद केंद्र की पूर्व अध्यक्षा लक्ष्मी दीदी बताया करती थी, जब 70 के दशक में वो पहली बार एज ए बॉटनिस्ट अमेरिका गई, तब उस समय वहां पर कोई यदि नदी के किनारे आंखें बंद करके ध्यान लगाए हुए बैठा देगा तो लोग उसको पागल समझते थे, और वो कहती है 90 के दशक में मैं जाती हूं तो जो नहीं करता उसको पागल समझते हैं। 70 के दशक में जो करता था उसको पागल समझते थे, अब जो नहीं करता उसको फैशन हो गया। तो टाइम्स स्क्वायर में योग का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो योग फैशन बन गया, तो फैशन के लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए करेंगे, अपने मन की शांति के लिए करेंगे, पैसा कमाने के लिए भी करते हैं। जो आज अमेरिका में सर्वाधिक प्रचलित, अब तो कम हो गया लेकिन योग का अमेरिका में सबसे ज्यादा जिसने प्रचार किया वह एक बंगाल के एक योग के आचार्य है जिनका नाम विक्रम है, विक्रम, वो बंगाली होने के कारण विक्रम को विक्रम कहते हैं, बी बी आई स्पेलिंग करते हैं। तो विक्रम योगा अमेरिका का सबसे महंगा योग है, उन्होंने सारे 180 पेटेंट कर लिए योगों के, सारे आसनों के पेटेंट है, और विक्रम योग की पद्धति से आप करोगे योग तो आपको वो ट्रेनिंग देंगे, फिर फर्स्ट डिग्री के मास्टर हो जाओगे, फिर सेकंड डिग्री के मास्टर हो जाओगे, उसको हजारों डॉलर की फी देने से ही आप योग के मास्टर बन सकते हो, तभी आप विक्रम योगा। तो मैं पढ़ रहा था कहीं पर तो पता चला कि सर्वाधिक कोर्ट केसेस का गिनीज रिकॉर्ड विक्रम जी का है, पेटेंट के
और वायलेशन के लिए उन्होंने पूरे अमेरिका के सारे स्टेट्स में 100 से ऊपर कोर्ट केसेस लगाई है, वो विक्रम जी ने लगाई है। योगी है, पैसा कमाने के लिए योग है। तस्य तस्य अचला श्रद्धा, बिचारी की उसी में अचल कर दी भगवान ने। तो योग का पेटेंट और पेटेंट के लिए कोर्ट केस, योग किसने? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। और उसका बड़ा मजेदार प्रसंग, क्यों क्यों होता है? तस्य तस्य अचला, ठीक है कर ले, पैसा कमाने के लिए योग कर। तो कोई पैसा कमाने के लिए, कोई स्वास्थ्य कमाने के लिए, कोई मन शांति के लिए, पर योग किस लिए? योग का मूल उद्देश्य क्या है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे क्लेश तनुकरणार्थे, क्लेश का दूर करने के लिए। ये जो सारी वृत्तियां है, ये वृत्तियां क्लेश में फंसी हुई है, इसलिए क्लिष्टा अक्लिष्टा वृत्तिया पंच, क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये पांच वृत्तियां है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे उनके दो भेद है। इन पांच वृत्तियों को अक्लिष्ट कब होगी? जब वो ईश्वर की ओर उनकी गति होगी, योग की ओर उनकी, समाधि की ओर उनकी गति होगी, तब वही वही वृत्तियां जो क्लेश का निर्माण करती है वही अक्लेश का कारण बनेगी। इसलिए योग करना है क्लेश तनुकरणार्थ, ये सर्वोच्च है। उसके लिए जो करेगा उसकी उसमें श्रद्धा हो जाएगी, जो जिसके लिए करेगा उसकी उसमें श्रद्धा हो जाएगी। विवेकानंद केंद्र ने तय किया, जब एस व्यासा को बेंगलोर में जो अपना रिसर्च सेंटर था, विवेकानंद केंद्र का योग अनुसंधान संस्थान, उसको अलग स्वतंत्र कर दिया। अब वो एक यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के रूप में, एस व्यासा के नाम से। विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा ऐसा योग का और रिसर्च सेंटर है वो बन गया है, आज यूनिवर्सिटी है। आज उसके वाइस चांसलर आए थे, अभी नागपुर आए थे विद्वत परिषद में, रामचंद्र भट्ट जी, बड़े अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। डॉक्टर नागेंद्र जो उसके चांसलर है, वो विश्व में मान्य योग के प्रशिक्षक है, अद्भुत है। विवेकानंद केंद्र ने कहा आप अपना स्वतंत्र करो, क्योंकि आपका थोड़ा सा जो श्रद्धा अचल हो गई है वो विज्ञान रिसर्च और थेरेपी लोग योगोपचार इसमें हो गई, आप वो करो। और वो जब अलग कर दिया, उसके बाद केंद्र ने कहा कि अब हम थेरेपी नहीं करेंगे योग की, अब हम योग का उपचार के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उपचार के लिए जो आता है वह मूलतः स्वार्थ मन में लेकर के योग में आता है, इसलिए यह अपने आप में विसंवादी है, पैराडॉक्सिकल है। तो फिर हमको शुरुआत के जो दो चार वर्ष थे, जिस वर्ष में उससे पहले हम ही थेरेपी करवाते थे और हमने ही थेरेपी बंद कर दी। सारे देश में जितने विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता थे वो थेरेपी करने वाले थे और अचानक बंद कर दिया, तो सब लोग पूछते थे थेरेपी क्यों नहीं करवाते। तो फिर हमने उसके लिए एक कहानी बताना शुरू किया कि थेरेपी करना अच्छा है, आप करना चाहो तो करो, लेकिन हम नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? तो शिवरात्रि के दिन ऐसा कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिवजी पर बेल चढ़ाओ, चारों याम पूजा करो तो शिवजी दर्शन देते। वैसे ही भोले भंडारी है, भगवान आशुतोष उनका नाम है, आशुतोष यानी क्षण मात्र में तुष्ट होने वाले, संतुष्ट होने वाले। थोड़ी सी पूजा करो, थोड़ा सा भजन करो तो भोले भंडारी है। असुरों को भी तो उन्होंने सबको दिए, भस्मासुर को भी तो दिया, सबको वरदान दे देते जो जो करता है। तो इसलिए उसकी पूजा कर लो, किसी को कहा बेटा तू जा और पूजा कर ले, वो रात भर जंगल का, और किसी को भट्टी ने उसको कहा ऐसा शिवलिंग मिल जाए जिसको कई वर्षों से किसी ने पूजा नहीं की, उस पर करेगा तो जल्दी और आ जाएंगे भगवान। तो जंगल में जाकर के खोज निकाला, बेलपत्र ढूंढ निकाले और रात भर भगवान जी पे बेल चढ़ाता रहा। शिवरात्रि की रात को शिव जी के शिवलिंग पे जंगल में ही बैठा था। सुबह चौथा याम समाप्त होते समय, जिस समय बिल्कुल 4 बजे और सुबह सूर्य उगने वाला है, ऐसे समय और शिव जी प्रकट हुए भक्त के सामने। अब उससे 5 मिनट पहले, जंगल में ही तो बैठा था ना और बेल चढ़ा रहा था, 5 मिनट पहले पीठ पे एक कीड़े ने काटा और खुजली हो रही है और हाथ पहुंच नहीं रहा, ऐसी जगह कीड़े ने काटा है कि वहां हाथ नहीं पहुंच रहा, और शिव जी का ओम नमः शिवाय करते जा रहा, बेल चढ़ाते जा रहा, दूसरे हाथ से खुजली करने की कोशिश कर रहा है, खुजली नहीं हो रही, और शिव जी प्रकट हो रहे। और प्रकट होकर के बोल भक्त क्या चाहता है, सारी लिस्ट बना करके तैयार रखी थी क्या क्या मांगना है भगवान को, लेकिन जब शिव जी प्रकट हुए तब खुजली मेन थी, खुजली मिटा दो। भगवान ने कहा तथास्तु, पीठ की खुजली मिट गई, योग से बीपी ठीक करा लो।
शिवजी से खुजली मिटा लो, क्या दिक्कत है? आपकी श्रद्धा है, तस्य तस्य अचला श्रद्धा, उस उसमें मैं उसकी अचला कर देता हूं, उसका बीपी ठीक कर देता हूं, बाकी दिमाग नहीं ठीक करता, क्योंकि बीपी ठीक करने के लिए योग किया ना, तो बीपी ठीक हो जाएगा। जिसके चाह से करोगे वो मिलेगा, वो पाओगे, कहा ना, वो मुझ मैं उसको प्रिय हूं इसलिए वो मुझे प्रिय है, तुमको खुजली प्रिय है तो तुमको खुजली मिटाओ, जो तुमको प्रिय है वो मिलेगा, भगवान प्रिय होंगे तो भगवान मिलेंगे। तस्य तस्य अचला श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्, मैं उसी में उसको फिट कर देता हूं, तू यही कर बेटा, इसी में लगा रहे। सतया श्रद्धया युक्त, वह उस श्रद्धा से युक्त हो करके जुड़ करके उस श्रद्धा में जुड़ कर तस्या आराधनम इहते, उसका आराधन करने लग जाता है। लबते च ततक कामान, उसको वो वाली इच्छा मिल जाती है। मय्येव, मैंने ही विहितान नितान, वह जो है तान, मय्येव विहितान, मैंने ही उसके लिए उसकी योजना कर रखी, वो प्रसाद भी मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि तुम वो प्रसाद मांग रहे हो इसलिए तुमको वो मिल रहा है, तुम भगवान को बैंक बैलेंस मांग रहे हो, बैंक बैलेंस मिल रहा है ना, बहुत बैंक बैलेंस मिल रहा है, बढ़ रहा है बैंक बैलेंस, फिर आप कहते हो लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहां पर पैकेज तो अच्छा है लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन, अरे तूने पैकेज ही तो मांगा था ना, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता तो जाता क्यों वहां पे तू, यहां पैसा तो बहुत है लेकिन बच्चों के संस्कार नहीं है, वापस आना चाहता हूं, विदेशों में रहने वाले बच्चे कुछ दिनों बाद कहते हैं संस्कार चाहिए थे होते तो जाता क्यों, पैसा चाहिए था उसके लिए, जो चाहिए वो मिलेगा, काम लबते च ततक कामन, जो तुम्हारे काम है वो मिलेंगे, जो कामना है जो तुम्हारी इच्छा है, मैं ये वह मैंने ही दिया है वो प्रसाद, जो प्रसाद मांगोगे वही तो मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो उनका ठीक है, ये वो करते रहते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा है वो देवताओं का वैसे वैसे पूजन करते हैं और उस प्रकार से वो पाते हैं, उस देवता की पूजा करके वो पा लेते हैं, उसको पाते हैं, ईश्वर को नहीं पाते, कोई दिक्कत ही नहीं ना, पर दिक्कत होती है, क्यों होती है दिक्कत, क्योंकि प्रत्येक के अंदर वही ईश्वर को पाने की चाह छिपी है ना, कामनाओं से ऋत ज्ञाना, उसमें हृदय लग जाने के कारण, विवेक अपरता होने के कारण उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अंदर तो वो है ही, इसलिए छटपटाहट तो सबको होती है, फिर समझ में नहीं आता, जो मांगोगे वही तो मिलेगा। मां गंगोत्री में आप जाएंगे तो गंगोत्री से आगे गोमुख है, 14 किलोमीटर आगे बर्फ में चल करके जाना पड़ता है, गंगोत्री तक तो बस जाती है, गंगोत्री तक तो चले जाओ, और गंगोत्री में बढ़िया अगर हिम्मत हो तो गंगा जी में नहा लो, बड़ा बड़ा आनंद आता है, बड़ी बर्फीला पानी है लेकिन बड़ा मजा आता है, उसके आगे जाना है तो हिम्मत लगती है, 14 किलोमीटर एक दिन में तो बहुत ही कम जाते हैं, सुबह सुबह निकल जाओ 5:30 बजे तो शायद शाम तक पहुंच जाओगे, यदि दिन भर चलते रहने की, वो पहाड़ी में ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा कम नहीं होता, नहीं अगर आपकी हिम्मत है तो आप सुबह निकलो 6:30 बजे और शाम को 4:30 बजे तक आप लाल बाबा के वहां पहुंच जाओगे, लाल बाबा की गुफा में, वहां वो लाल बाबा है, वहां सारी व्यवस्था है, तब अरे आश्चर्य होता है, जहां गाड़ियां नहीं पहुंचती कुछ नहीं पहुंचती, सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, सब बढ़िया, रहने की व्यवस्था, कंबल है, बाबा जी खुद लंगोट, क्या लंगोट भी क्या, वो लाल रंग का पंचा ओढ़ते, लंगोट भी नहीं, लाल रंग के पंचे के अलावा कुछ नहीं, उस ठंडी में -2-3 डिग्री टेम्परेचर में, और एक मुर्गाजिन नीचे बिछाया उसके ऊपर बैठे लाल बाबा, अब है कि नहीं पता नहीं, बहुत सालों से मैं गया नहीं, अभी 2011 में जब गया था तो ऊपर नहीं गया गोमुख, गंगोत्री से वापस लौटा है, बैठे है बाबा, और भंडारा चलता है नित्य भंडारा, जो आए उसको भोजन, जो आए उसको खिचड़ी, जो आए उसको दलिया,
दूध की खीर बढ़िया, बाबा को खीर पसंद है ऐसा कहते हैं। मैंने तो कभी खाते हुए देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा उनको खाते हुए, कहते हैं केवल पसंद है। भोग चढ़ा दो, बाबा के सामने भोग चढ़ा के सब खाते हैं, बाबा दृष्टि से खाते हैं ऐसा कहते हैं। अनेक वर्षों में उन्होंने कोई आहार नहीं किया ऐसा कहते, वो कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो वहां एक एक दो दो दिन ही रुका जब भी गया, तो इसलिए अपन तो कहते ही कहेंगे, अपन तो अविश्वासु लोग है ना, शंकालु लोग है। बाबा की आयु कितनी है भक्तों को पूछा, बोले 400 साल का तो मुझे पता है ऐसा कहते हैं। अपना विश्वास नहीं होता, लगते बाबा 60-70 के हैं। मैं क्या, मैंने कहा ये भंडारा कैसे चलता है, बोले चलता है बाबा को कनक सिद्धि है। मैंने कहा क्या है कनक सिद्धि, बोले जब कोई भंडारे का सामान पूरा हो जाता है, शेष होने लगता है, तो हम बाबा को जाके कहते हैं बाबा भंडारे का सामान शेष हो गया, तो बाबा कहते हैं कि ले लो, ऐसा पैर उठाते हैं, उसके नीचे से मृगाजीन के नीचे से एक सोने का सिक्का निकल आता है। कनक सिद्धि, कनक सिद्धि, बाबा कछु नहीं चाहिए। मैंने कहा ये पंचा तो बदलते होंगे, तो वहां रहने वाला शिष्य कहता है 16 साल से तो मैं हूं, 16 साल से तो बदला नहीं। रोज जाते हैं तब गंगा जी में नहाते और धो लेते, धो के फिर लपेट के बैठ जाते हैं, दूसरा पंचा आया नहीं। मैंने सोचा ये सब उल्लू बनाते हैं, ला करके रख देते होंगे चुपचाप, और लोगों को शंका अपने, लेकिन है लाल बाबा कनक सिद्धि है। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूं वो सिक्का निकलते हुए, तो बोले अभी तो भंडारा भरा हुआ है। मैंने कहा ये उल्लू बना रहे, भंडारा भरा हुआ है। फिर तो वापस आके सुरेश जी को बताया, सुरेश चंद शर्मा जी को। मैंने कहा, सुरेश जी ने कहा ऐसा है, मैंने देखा है होता है ऐसा, और ये कनक सिद्धि तो ऐसे ऐसे होती है। उन्होंने उसका विज्ञान बता दिया, ऐसी होती है कनक सिद्धि। कनक सिद्धि जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा ना, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तत्स्याम चलाम श्रद्धा, उसकी उसमें ही अचल कर देता हूं मैं। मय्येव विहितानि, मैंने ही उसके लिए विहित कर दिए, पक्के कर दिए। तेरे को वो चाहिए ना, वही ले ले बेटा, तू क्यों चाहिए वो ले ले, इच्छा भोजन है भगवान के पास। अब आपको कौन सी खुजली मिटानी है, आपको कौन सी खा जाए, आप तय कर लो। तो भगवान वो दे देगा। इसलिए अन्य देवताओं की उपासना करने वालों के लिए जो विहित किए हुए, शंकराचार्य कह रहे इस विहित को हित कर मत समझ लेना, ये विहित है हित नहीं है, हित तो वही है। क्योंकि अगले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, वो तो अल्प मेध साम, वो तो छोटे अल्प बुद्धि के लोग है, अल्प संतुष्ट लोग है, इसलिए उनको ये अंतवंत इस प्रकार के प्रसाद पाकर के संतुष्ट हो जाते हैं। सच्चा ज्ञानी होता है वो सबसे परे जाता है। इसलिए हमको बचपन से वो कहानियां चंदा मामा में हमने पढ़ी कि पहले राजकुमार को सोना मिल गया वहीं रुक गया, फिर उसको वो चक्र मिल गए, फिर वो दूसरे ने उसमें लोभ में नहीं पड़ा आगे गया। ये संस्कार हमारे ऊपर डाले गए, लोभ में नहीं पड़ोगे आगे जाओगे तो चांदी की जगह सोना मिलेगा, सोने की जगह और कुछ मिलेगा, और जो अंत आ जाएगा उसको अंतिम ईश्वर अंतिम चक्रवर्ती का राज्य मिलेगा। यह बताया लोभ में नहीं फंसोगे आगे जाओगे, क्योंकि तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, फंस गए तो वही फंस गए बेटा जिंदगी भर के लिए। वो सिर पे चक्र लेकर के वो कहानी पढ़ते थे ना चंदा मामा में, चल रहा है चक्र, चल रहा है चक्र, चल ही रहा है। विहितान नितान, उनको वही मैंने उनके लिए विहित कर रखा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।